राजस्थान जन की बात के हिसाब से शुक्ला जी आपने कहा वही हो रहा है, राजस्थान में सरकार बन रही है, मध्य प्रदेश में मामला थोड़ा सा फंसता हुआ नजर आ रहा है, ऋषि मिश्रा मुस्कुरा रहे, न्यूट्रल मिश्रा जी आऊंगा न्यूट्रल मिश्रा जी, लेकिन पहले प्रेम शुक्ला। नहीं, निश्चित तौर पर हमें आप जो एग्जिट पोल का अपना जो विज्ञान है उसको मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में स्पष्ट बहुमत मिलना निश्चित है। राजस्थान में जो पहले कह रहा था फिर वही कह रहा हूं कि हमको 2/3 बहुमत राजस्थान में प्राप्त होगा और छत्तीसगढ़ में भी हमें बहुमत प्राप्त होगा, हम छत्तीसगढ़ का भी चुनाव जीतेंगे, हमें पूरा विश्वास है। और आपको जैसा मैंने पहले भी कहा था कि तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी को जो पिछले चुनाव की तुलना में जबरदस्त बढ़त मिलेगी, और आपके एग्जिट पोल में भी ये दिखाई दे रहा है कि सत्ता की चाबी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। लेकिन मध्य प्रदेश का जिक्र करते हैं यहाँ पर प्रेम शुक्ला जी, 112-113 यानी जिस नाराजगी का जिक्र आपके स्टार प्रचारकों की फेहरिस्त जब आई, कह रही थी कि नहीं कांग्रेस को लेकर बहुत नाराजगी यहाँ पर दिखाई दी है, कांग्रेस ने कहा कि नहीं हम वापसी एक बार फिर से करेंगे, सत्ता हमसे यहाँ पर छीन ली गई है, कोई बहुत बड़ा बदलाव तो एग्जिट पोल में नजर नहीं आ रहा है। हम अब भी कह रहे हैं कि यह अनुमान है, ये नतीजे भले नहीं लेकिन बहुत कुछ अनुमान के बूते भी खड़ा होता है। देखिए, मैं मध्य प्रदेश में पूरा भरोसा है कि हमको स्पष्ट बहुमत मिलेगा। आपको ध्यान रहेगा पिछले बार भी 1,56,00,000 वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को मिले थे, 1,55,00,000 कांग्रेस को वोट मिले थे, और 1,56,00,000 वोट पाकर हमको 109 सीटें मिली थी, 1,55,00,000 वोट पाकर कांग्रेस को जो 113 सीटें मिली थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी न्यूनतम 130 सीटें पाएगी। हमने जो है हमारे पन्ना प्रमुखों, हमारे बूथ के कार्यकर्ताओं के आधार पर जो हमारे पास फीडबैक है, हमें पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश में स्पष्ट। और देखिए एक चीज आपको शुक्ला जी, एक मिनट रोक रहा हूं, एक और एजेंसी का जो आंकड़ा है उसके हिसाब से बीजेपी मध्य प्रदेश में बढ़ गई है। ये देखिए आप जो स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये आंकड़े लगातार बढ़ लेंगे क्योंकि अब तक जन की बात एक एजेंसी का आंकड़ा आया, दूसरी एजेंसी का आंकड़ा है, उसके हिसाब से आंकड़े बदल रहे हैं। और ये हम आपको जो टारगेट महापौर न्यूज 18 इंडिया पर दिखा रहे हैं, एक तरीके का निचोड़ है अभी तक के हिसाब से। बीजेपी देखिए 119 यानी कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार 119, मध्य प्रदेश में 119 और राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार अभी तक के एग्जिट पोल के हिसाब से। और नीचे आप देखेंगे तेलंगाना में कांटे की फाइट है, लेकिन छत्तीसगढ़ का क्या होगा? छत्तीसगढ़ में तो बताया जा रहा है कांग्रेस बाजी मार रही है, लेकिन अगर ये भी हो जाता है तो भी बड़ी बात होगी भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से, मध्य प्रदेश खासकर। 15 साल से शिवराज सिंह चौहान वहां पर, ऋषि मिश्रा मेरे साथ हैं। ऋषि भाई, एग्जिट ही एग्जैक्ट? देखिए, मैं कुछ हद तक सहमत हूँ। मध्य प्रदेश में कांग्रेस चुनाव जीत रही है और बीजेपी की इतनी स्थिति कमजोर है वहाँ मध्य प्रदेश में कि जिस नयन सिंह तोमर और कैलाश विजयवर्गीय के भरोसे आसपास के क्षेत्रों में प्रभाव डालना चाह रही थी बीजेपी, उन दो उम्मीदवारों के लिए नरेंद्र मोदी जी को सड़क पर उतरना पड़ा, नयन सिंह तोमर के लिए प्रधानमंत्री जी को रैली करना पड़ा। नयन सिंह तोमर देश के कृषि मंत्री हैं, बड़े नेता हैं, जिनके जिम्मे पूरे मध्य प्रदेश की चुनावी कमान जिनके कंधों पे था, उनको अपने सीट बचाने के लिए प्रधानमंत्री को उतारना पड़ता है। यही हाल इंदौर एक में कैलाश विजयवर्गीय के साथ था। तो आप समझ सकते हैं कि जो संभावित इनके मुख्यमंत्री के दो महत्वपूर्ण चेहरे हैं वो अपने सीट नहीं निकाल पा रहे हैं, उनकी सीट फंसी हुई है। और आज मैं आपके दावे के साथ कह रहा हूँ दोनों सीट का मार्जिन 5, यदि जीत भी जाती है बीजेपी तो 4,000, 5,000, 3,000 से अधिक का नहीं होगा। तो ये स्थिति है मध्य प्रदेश के स्टार प्रत्याशियों का। तो आप समझ सकते हैं पूर्ण मध्य प्रदेश में बीजेपी का क्या हाल होगा। तो बीजेपी कांग्रेस मध्य प्रदेश में चुनाव जीतने जा रही है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस चुनाव जीतने जा रही है, तेलंगाना में कांग्रेस का क्लीन स्वीप है, और मैं मानता हूँ राजस्थान में कांटे की टक्कर है। और आप अभी भी कह रहा हूँ निर्दलीय RLP और BSP का महत्वपूर्ण रोल होगा, वसुंधरा जी के जो बागी चुनाव लड़ रहे हैं उनका भी महत्वपूर्ण रोल होगा जी। और हमारे सहयोगी मनोज भी हमारे साथ बने हुए हैं, दो खास मेहमान हैं, कुछ और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मनोज, आपकी तरफ रुख करेंगे, पहला आंकड़ा यहाँ पर आ चुका है, जो एजेंसी यहाँ पर दो हमारे सामने हैं उसके आंकड़े हमें बता रहे हैं, बीजेपी को बढ़त है, यानी इतनी बढ़त तो नजर आ रही है जिस टक्कर की बात यहाँ पर कही जा रही थी। लेकिन क्या लगता है, आप हमारे दोनों खास मेहमानों को सुन भी रहे हैं, उन्हें समझ भी रहे हैं, वाकई किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? देखिए, ये तो 3 तारीख को तय होगा, लेकिन एक बात बिल्कुल सच है कि कांटे की टक्कर तो मध्य प्रदेश में है, क्योंकि दोनों के पास अपने प्लस पॉइंट थे, दोनों के पास अपने नेगेटिव पॉइंट थे। बीजेपी के ऊपर अगर सबसे बड़ा दबाव था तो वो था एंटी इनकम्बेंसी का। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कि 16 साल से लगातार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और यही वजह है कि खुद बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को दोबारा
चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट यहां पर घोषित भी नहीं किया। और पार्टी से जब भी पूछा गया कि अगर पार्टी चुनाव जीतती है तो अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, तो पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने एक ही जवाब दिया कि बीजेपी में जो दस्तूर होता है ये मुख्यमंत्री के नाम तय करने का, वो काम पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है। लेकिन हम लोगों से समझते हैं कि जो आंकड़े कह रहे हैं वो आंकड़े लोगों तक कैसे पहुँच रहे हैं, लोग क्या सोचते हैं।